रूम इन अ वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। जनाब आज सुबह सुबह चाय की बात करने वाली हूँ मैं, क्योंकि चाय मेरे हाथ में होती है जब भी मैं आती हूँ और सुबह सुबह मुझे इतनी अच्छी चाय पीने को मिल जाती है तो उसके बाद मेरा एनर्जी लेवल तो अप हो जाता है, साथ साथ मेरी आंखें भी खुल जाती है, क्योंकि सुबह उठने के लिए जागने के लिए आपको जो है चाय का एक वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जनाब चाय के बारे में मैं बात करी हूँ, लेकिन आपने सब चाय भी पी होगी, स्याह चाय भी पी होगी जिसे आप ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं, या चाय की एक शक्ल होती है जो बहुत डार्क भी होती है, एक आप बिल्कुल ये जो आपकी आम रूटीन की चाय है वो होती है, एक ग्रीन टी होती है आपकी जिसको हम होती वो पिंक है लेकिन कहा उसको ग्रीन टी जाता है। तो जनाब लेकिन आपने जो नीली चाय है वो आपने नहीं सुनी होगी और वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीली चाय जो है मोटापे की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनाब ये ज़रूरी किस तरह से है, अगर आपने ये नीली चाय नहीं देखी तो मैं इसकी खसूसियत भी आपको बता देती हूँ, ये भी बता देती हूँ कि ये कैसे बनती है और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लू बटर फ्लावर टी को ज़रूर आजमा कर देखें अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, और आप इसको गर्म या ठंडी शक्ल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब ये जनूब मशरकी एशिया में जो है वो मुतारिफ करवाई गई थी, लेकिन दुनिया भर में अब इसका इस्तेमाल किया जाता है और हर मुल्क में इसको बनाने के तरीके या जो भी है वो डिफरेंट वेरी भी करते हैं, लेकिन उसके साथ इसका इस्तेमाल भी होता है। अच्छा जनाब आपकी बॉडी पर फैट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसके लिए आपको गर्म पानी चाहिए या ठंडा पानी चाहिए, और इसमें आप एक चाय का चम्मच लीमू ऐड करेंगे और इसके साथ साथ शहद ऐड करेंगे जो हम आमतौर पर ग्रीन टी या कहवा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जनाब आप इसको जो ये ब्लू बटरफ्लाई जो होते हैं ये फ्लावर है उसकी ये बनती है, ये फ्लावर आम रूटीन में पाया जाता है, हर मुल्क में है, ये जनूब मशरकी एशिया की बात की है तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इस फ्लावर टी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं और नीम गर्म पानी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर से भरपूर होता है, और अगर आप वर्जिश करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान या उससे पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके गैर ज़रूरी फैट को भी कम करता है। और इसको आप दिन में दो बार पीने की आदत जो है वो ज़्यादा कैलोरीज जो है वो आपकी बर्न कर देती है और आपकी बॉडी पर फैट भी कम हो जाता है। और जिन लोगों को बेली फैट का इशू है यानी जिनका पेट उन्हें लगता है कि ज़्यादा निकल आया तो वो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग मूड स्विंग्स होते हैं जिनको बहुत चिड़चिड़ेपन के शिकार होते हैं उनका मूड बेहतर करने के लिए भी ये चाय इस्तेमाल की जा सकती है, और इसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी जनाब ये जो है बेहतर करती है, जो आपके एजिंग के फैक्टर्स हैं उसको कम करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये आप नीली चाय पिया करें, मतलब नीली चाय है क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन है ये चाय की। अच्छा जनाब ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ अब हम आपको जापान में भी बता देते हैं कि क्या हो रहा है। जनाब जापान में मछली की सालाना नीलामी हुई जनाब, और ये एक स्पेशल मछली है जो सिर्फ जापान में ही पाई जाती है, और टोक्यो में हर साल जो है इसकी नुमाइश की जाती है, नीलामी की जाती है। और इस बार जनाब ये मछली नीलाम हुई है, 278 किलो ये वजनी मछली है, ब्लूफिन ट्यूना फिश है ये, और इसको $3.1 मिलियन में खरीद कर आलमी रिकॉर्ड बनाया गया है। जनाब ये जो जिन शख्स ने ये खरीदी है ये नायाब नस्ल की मछली है, और इसको गुज़िश्ता बरस जो बात की जाए उसकी इसकी कीमत थी $6,36,000 में इसको खरीदा गया था, और ये सालाना फिश मार्केट में नीलाम होने वाली सबसे महंगी मछली है। और ये जिन शख्स ने ये मछली खरीदी उनका इसको चीन में जाकर बेचने का इरादा है, और इस मछली के एक टुकड़े को तकरीबन $500 तक फरोख्त किया जाएगा, और इसको शेफ मुख्तलिफ टुकड़ों में इसको तकसीम करके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में इसको सर्व भी किया जाता है। और ये एक नायाब नस्ल की मछली है जो जापान में बड़े शौक से खाई जाती है, और हर साल टोक्यो में इस मछली की नीलामी होती है, और बहुत से मगरिब ममालिक में इस मछली के शिकार पर पाबंदी है, लेकिन टोक्यो में ये मछली जनाब $3.1 मिलियन में खरीदी गई है और ये आलमी रिकॉर्ड भी बन चुका है। तो हाँ मछली बहुत ही खौफनाक लग रही है वैसे, खाते भी हम वैसे छोटी छोटी मछलियाँ देखने के आदमी इतनी बड़ी मछली देख के वैसे खौफ आता है, लेकिन जनाब ये बड़ी नायाब नस्ल की मछली जो फरोख्त हुई है और इसको इसका एक जो पीस है वो तकरीबन $500 तक फरोख्त किया जाएगा। मतलब आप इमेजिन करें कि एक मछली आप $500 में खरीद रहे हैं, और डॉलर की अहमियत आपको तब अंदाज़ा होता है जब आप इसको खर्च कर रहे होते हैं। वैसे कहने में $500 है, लेकिन जब आप खर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हैं। खैर एनीवे जनाब ये हमने आपको मछली का बता दिया जो नीलाम हुई है टोक्यो में। उसके साथ साथ जनाब आज मैं सुबह जब ये सूप की रिसर्च पढ़ी थी तो मेरा पीने को दिल कर रहा था, मतलब सुबह सुबह आपको सूप की बातें करने को मिलेंगी। अच्छा जनाब सर्दियों के खास औकात है सूप की बहुत सारी शक्लें होती हैं,
कॉर्न सूप मिलता है, हॉर्न सूप मिलता है आपको, उसके अलावा बहुत सारे सूप की इकसाम है। उसमें आपको बेसिकली हम जो सूप पीते हैं वो हमने बहुत देसी ट्रिक के साथ बना लिया है, मतलब हमने उसमें बहुत देसी मसाले भी ऐड कर लेते हैं हम। लेकिन अगर आप टिपिकल सूप पीना चाहते हैं तो शायद वो आपसे पिया भी ना जाए। यखनी वो तो आप पी सकते हैं, उसमें आप ब्लैक पेपर ऐड कर लेते हैं, नमक ऐड कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके, सोया सॉस इस तरह की चीज़ें आप ऐड करके उसको करते हैं। मशरूम सूप लोग बहुत शौक से पीते हैं, इवन टोमेटो सूप बहुत शौक से पिया जाता है। लेकिन उन सब में प्रॉब्लम ये है कि हम उसको बहुत देसी अंदाज में पीते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी उसको कर लेते हैं। लेकिन सर्दियों में खास तौर पर सूप का इस्तेमाल जो है आपको सर्दी से निजात ज़रूर देता है, क्योंकि इस तरह से आपको अगर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इसका प्रॉब्लम है तो आप यखनी कंज्यूम करें। हमारे घर में बहुत अच्छा एक ट्रेंड है कि हमारे घर में यखनी बहुत पी जाती है। मुझे सूप पसंद है जिसमें हम अंडा भी ऐड कर लेते हैं, चिकन भी ऐड कर लेते हैं, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, बहुत सारी चीज़ें। और मैं आपको बता दूँ कि आपको मुझे देख कर नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे सूप बहुत अच्छा बना लगता है। ये मुझे पता है कि मैं सूप अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन जनाब सूप जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि यखनी की जगह आहिस्ता आहिस्ता सूप लेते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम चाइनीज रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, वहाँ पर भी। इवन मैं चाइनीज़ की बात बताऊँ कि असल जो चाइनीज़ खाना है ना वो हम खा भी नहीं सकते, मतलब वो इस कदर फीका होता है। और हम पाकिस्तानी या इंडियन की बात कीजिए तो उन्हें अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर लेते हैं। इवन हम उसमें सब्ज मिर्च भी डाल देते हैं, लाल मिर्च भी डाल देते हैं, तो वो जो जायका है वो टोटल देसी चाइनीज़ का बन जाता है। क्योंकि असल चाइनीज़ जो है वो बहुत एक वो कह लेना बहुत ही फीका सा खाना है, लेकिन उसको खाते हैं डेफिनेटली लोग। तो जनाब आपको अगर सुस्ती हो रही है, कोई मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, तो आप यखनी सूप का इस्तेमाल करें, उसके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अब अगले सेगमेंट में हमारे पास, कल हमने डिस्कशन की थी जैसे न्यूज़ सेगमेंट में कि जनाब एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बिजली की शक्ल में हो, चाहे गैस की शक्ल में हो, हमें लोड शेडिंग का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो आज हमारे पास जो मिनिस्टर आने वाले हैं उनसे हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आप कॉल कर कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ अपना प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको मौका देंगे। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा, आप कॉल कर सकते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं कुछ ही देर में, उनसे हम डिस्कशन भी करेंगे, बात भी करेंगे कि क्या मसाइल हैं जो पब्लिक इतना ज़्यादा सफ़र करी है। जब तलब और रसद का एक जो कहले मामला आता है तब क्या सूरत हाल बनती है, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।